पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम पछता रही हो? पछता तो मैं रहा हूँ तुझ जैसी औरत को अपने घर में लाके। मेरी अम्मा ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस शख्स से शादी ना करो, ये सारी जिंदगी बैठ के घर में खाएगा और तुझे कमाना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो समझ में आई नहीं थी उस वक्त। वही ताना, हर बार की तरह समझ नहीं आ रही है तुझे। तेरी आज जो इतनी जबान चलती है इसीलिए ना कि मैं एक नौकरी नहीं करता हूँ। अगर आज वो करता तो तेरे मुंह पे ताला होता। मार ही क्यों नहीं देते एक दफा? मुझे मार दो ना जान से, मार दो मुझे। मैं भी तंग आ गई तुमसे रोज रोज बैठकर। तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा दिन घर के बाहर मैं काम करती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, तुम घर में बैठ के खाते हो, आराम से रहते हो। फिर वही ताना। पैसे तो मैं आज लेके जाऊंगा और अभी लेके जाऊंगा। ये मेरे किराए के पैसे। छोड़ो मेरा बैग। पैदल चल के जा। छोड़ो, कहाँ रखे? छोड़ो मेरा बैग। सब कर जाओ। तोड़ दे दी। पैसे मैं लेके जाऊंगा। कैसे जाऊंगी मैं ऑफिस? पैदल चल के जा। हेलो। अच्छा ये बताओ तुम्हें मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लगा? वैसे एक बात कहूँ तुम्हें, मैं काश कि पहले मैंने तुम्हें इस रूप में देखा होता ना तो शायद मैं मर ही गया होता। अच्छा बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। तुम तो बिल्कुल बंदर लग रहे थे, बंदर। अरे मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहे थे तुम भी। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, शादी की शेरवानी को कैंसिल कर देते हैं और मैं देख लेता हूँ योर गर्लफ्रेंड। वैसे भी मुझे किसी लड़कियों की कमी नहीं है। टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी भी और तुम्हारी उस नई गर्लफ्रेंड की भी। अरे बाबा टांगे मत तोड़ना वरना तुम्हारा शमशाद रोड पे भीख मांग रहा होगा। वैसे एक बात बताओ, तुमने पीछे के बारे में क्या सोचा? सोचना क्या है, तुम्हें तो पता ही है भाई कभी भी राजी नहीं होंगे। खुद तो अपनी लव मैरिज कर ली, मेरे रास्ते में रुकावट बने हुए हैं और उन्हें तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खुद कंगाल बैठे हुए आजकल। तुमसे बाद में बात करती हूँ, भाभी बुला रही हैं। अच्छा बात। जी भाभी आई। लालू बंदर का तमाशा देखा है कभी तूने? क्या जोनी भाई तुम भी माहौल करते रहते हो। माहौल नहीं करता रहता मेरी जान, तुझे बंदर का तमाशा दिखाता हूँ देख। हेलो कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ लेकिन तेरे लिए बड़ा परेशान हूँ यार। मुझे क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ। तू तो ठीक है नासिर, लेकिन तेरे काम कुछ ठीक नहीं। सारा पैसा डबल करके वापस करने का वादा था ना तेरा, डुबो दिया तूने मेरा सारा पैसा। अरे कारोबार में ऊंच नीच तो होती है, आपको तो पता है जहाँ नफा होता है वहाँ नुकसान भी होता है। कारोबार तेरा, ऊंच नीच तेरी। मेरा क्या कसूर है इसमें अलकट? मेरा पैसा कब वापस करेगा? निम्रा क्यों तुम्हारे इतनी चीखने की आवाज आ रही थी? क्या बात है निम्रा, तुम रो रही हो? चुप हो जाओ, आज फिर मारा इस जल्लाद ने तुम्हें। निम्रा क्या हो गया है? मुझे बताओ क्या बात है, सिर्फ शर्म नहीं आती औरत पे हाथ उठाते हुए? तुम ही कम अज कम उसे आगे से मारा करो पकड़ के। मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज के लड़ाई झगड़ों,
जब देखो लड़ाते रहते, मुझे मुझ पे हाथ उठाते, मैं कितनी मार खाऊं, तंग आ गई। वो क्यों करता है इस तरह? आखिर वो चाहता क्या है तुमसे? एक ही रट लगा कर रखते, कभी पैसे दे दो, जेवर दे दो, जेवर दे दो। मेरे माँ बाप ने मुझे एक ही चीज तो दी है, हर चीज मैंने उन्हें दे दिया, वो जेवर ही बचा है, जब देखो मांगते रहते। कितना लालची खबीस इंसान है ये। वैसे निम्रा, तुम्हारे पास कितना तोला जेवर है? अबे अबू ने बस सारा जेवर मुझे दे दिया था अपना, तकरीबन 35-40 लाख का तो होगा। जेवर देके गलती भी मत कर देना। पता है फैजान भी मुझसे जेवर मांग रहे थे, भाई मैं क्यों दूं अपना जेवर? जेवर देके हाथ पैर कटवा दें क्या अपने? फैजान भाई तुम्हें कमा कर तो ला कर देते है ना, ये शख्स तो हर वक्त मुझसे पैसे मांगता रहता है, जेवर मांगता रहता है, तुम देखना एक दिन ये शख्स मेरी जान ले लेगा। निम्रा ऐसे नहीं बोलो, प्लीज रोना तो बंद करो, तुम इतनी प्यारी हो, तुम में किसी चीज की कमी नहीं है निम्रा। मैं जब भी तो कह रही हूँ तुम इस शख्स से जान छुड़ा लो, अपनी अलहदगी ले लो। कैसे अलहदा हो जाओ? पसंद की शादी की थी मैंने, क्या जवाब दूंगी अम्मा अब्बा को? अम्मा को तो बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। अब इस घर से तो मैं सिर्फ मर कर ही निकल सकती हूँ, कोई और तरीका ऐसे नहीं, नहीं बोलते निम्रा, सब्र से काम लो। मैं हूँ ना, देखो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तुम अपना दुख सुख शेयर तो कर लेती हो मुझसे। ना सिर्फ तुझे थोड़ा सा टाइम नहीं, सिर्फ एक दिन की मोहलत दे रहा हूँ, मेरा सारा पैसा लौटा दे, वरना तू जानता है कि मुझे पैसा निकलवाना बहुत अच्छे से आता है, पता है ना तुझे किस तरह से पैसा कमाया जाता है। ठीक है। अभी ये बंदर नाश्ता हुआ तेरे भाई के दरबार पर आया। नासिर साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ अपना काम करो। देखिए मैं मोहल्ला कमेटी के सदर की हैसियत से आपको तंबी करना चाहता हूँ। भाई अपनी औकात में रहो और जाओ, ये मोहल्ला कमेटी सदर अपना काम करो जाके वहाँ पर। निम्रा मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है तुम? मेरी बात सुना, मुझे तेरा सारा जेवर चाहिए। कौन सा जेवर? वही जेवर जो तेरे माँ बाप ने तुझे दिया है, मुझे सारा निकाल के दे। मैं तुम्हें कोई जेवर नहीं दूंगी, समझे तुम? मैं आज यहाँ से सारा जेवर लेके जाऊंगा। कल जो मैंने तुम्हें दो चूड़ियां दी थी उसका क्या हुआ? उससे क्या मैं महल खड़े कर लूंगा? 50 बंदों का कर्जा है मेरे पे, मैं आज सारा जेवर लेके जाऊंगा। तुम्हारे पर कितना भी कर्जा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें कोई जेवर नहीं दूंगी, समझे तुम? मेरा मुझे इम्तिहान नहीं ले, मुझे सारा जेवर निकाल के दे। शाजिया, शाजिया बचाओ मुझे, छोड़ो। कोई घर पर नहीं है, कोई नहीं बचाएगा तुझे, छोड़ो मुझे। मैं आज सारा जेवर लेके जाऊंगा, चाहे तो मुझे जान से क्यों ना मार दो, मैं तुम्हें कोई जेवर नहीं दूंगी, समझ गए? मुझे सिर्फ जेवर चाहिए। योर ऑनर, घरेलू तशद्दुद खवातीन को सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि नफ्सियाती और रूहानी तौर पर भी जख्मी करता है। घरेलू तशद्दुद का शिकार खवातीन अक्सर महसूस करती हैं कि उनकी अना और उनका वकार मजरूह हुआ है। योर ऑनर, मकतूला निम्रा भी एक ऐसी ही बदकिस्मत खातून थी जिसकी घरेलू तशद्दुद की वजह से सिर्फ रूह घायल नहीं हुई बल्कि उसकी जान भी चली गई। योर ऑनर, निम्रा के कत्ल के केस के हवाले से अब तक पुलिस ने क्या तफ्तीश की है, मैं चाहूंगी कि इस केस के तफ्तीशी अफसर अदालत को आगाह करें। इजाजत। इंस्पेक्टर साहब, आप अदालत को अब तक की तफ्तीश से आगाह करेंगे? सर, इस कत्ल के पीछे सिर्फ घरेलू तशद्दुद ही नहीं है बल्कि लालच के अंसर भी शामिल है, और इसी लालच ने मकतूला के शोहर को अंधा कर दिया था, और इसी अंधेपन में उसने अपनी बीवी को मार डाला। सर, मकतूला का शोहर नासिर रजा वही शख्स है जिसको मकतूला के भाई और माँ ने नामजद किया है, और सर इसके खिलाफ गवाही किसी और ने नहीं बल्कि खुद मकतूला ने मरने से पहले दी है, और जिसके कुछ टाइम बाद उसकी मौत वाकई हो गई। हेलो निम्रा बेटा, क्या हुआ? नासिर ने आज मुझे फिर बहुत मारा अम्मा। क्या, उसे फिर तुम्हें मारा? मैं तो तुम्हें पहले ही मना करती थी कि उससे शादी नहीं करो, लेकिन मुझे तो ये खौफ था ना कि तुम कहीं भाग ना जाओ उसके साथ। अम्मी, मेरे सर पर चोट लग गई, बहुत खून बह रहा है। अम्मी तू फिकर नहीं कर मेरी बच्ची, मैं कुछ करती हूँ। अम्मी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं आती हूँ। अली, अरे बेटा जल्दी आ।
अगर कोई साहिब जायदाद औरत फौत हो जाए तो इसकी जायदाद में से औरत के शोहर को 25%, बेटे को 27.78%, बेटी को 13.89% और औरत के माँ और बाप को 16.67% बिल तरतीब हिस्सा मिलेगा, जबकि औरत के पोते, नवासे, पोती, नवासे और बहन भाई का कोई हिस्सा नहीं होगा। यही नहीं योर ऑनर, पूरे मोहल्ले ने निमरा की दर्दनाक चीखों की आवाज सुनी थी और जब निमरा की पड़ोसन सफिया ने निमरा की चीखें सुनने के बाद उसके घर का रुख किया तो उसने घर के फर्श पर निमरा की लाश दरियाफ्त की। योर ऑनर, सफिया बेगम ने यह भी देखा कि घर में सामान बेतरतीब पड़ा हुआ है, जिससे यह अंदाजा भी हुआ कि घर में डकैती हुई है। इंस्पेक्टर साहब, आप अदालत को आगाह करेंगे कि उस घर में डकैती के हवाले से आपको क्या शवाहिद मिले? सर, ये डकैती मुल्ज़िम नासिर रज़ा ने ही की है, क्योंकि अहले महला और मक्तूला के भाई का कहना है कि मुल्ज़िम का बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ था और इस कर्जे से निजात के लिए वो कई बार अपनी बीवी से जेवरात का तकाजा कर चुका था और सर यही जेवर उसके गले का फंदा बन गया। फारूक, तुम ऐसा करो कि बाहर हर चीज चेक करो। शाबाश। तारिक, सर जाओ अंदर हर चीज चेक करो और ये याद रखो कि कोई फिंगरप्रिंट मिस ना हो। शाबाश। ये बेहतर है सर। आप ये बताएं कि आप में से सबसे पहले लाश को किसने देखा था? मैंने। दोनों मियां बीवी के झगड़े की आवाज आ रही थी, फिर एकदम से निमरा के चीखने की आवाज आई। मैंने खिड़की में से झांका तो इसका शोहर दरवाजा पटक के गुस्से में मार गया था। मेरे बच्चे। फिर मेरे शोहर और मैं जब अंदर दाखिल हुए तो इसकी लाश देख के निमरा। इंस्पेक्टर, निमरा, ड्रामे बाज बंद कर दे अपना ढोंग। मार दिया ना तूने, मार दिया ना मेरी मासूम बहन को तूने। अली भाई, क्या बात कर रहे हो आप? हमारा मामूली सा झगड़ा हुआ था, हल्की सी चोट आई थी उसे। ये हल्की सी चोट तुझे नजर आ रही है? यही है मैक्सिकन इंडिया इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इसको। एक मिनट, आप कौन भाई? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बीवी है। अच्छा, तो आप हैं इसके शोर? बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैंने इसका कत्ल नहीं करा। अली भाई, ये क्या बात कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, जेवरात के लिए मारा था मेरी बहन को। अरे जेवरात ले लिए थे तो मारा क्यों से? मैं पैसों के लिए मारूंगा यार। अली भाई, क्या बात कर रहे हो? ये इल्जाम है इंस्पेक्टर साहब। हम इसे गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं और तफ्तीश करेंगे, क्या सच है क्या झूठ है, किसने जेवरात चुराए हैं, किसने इसका कत्ल किया है, ये हमारा काम है पता लगाना। ठीक है तारिक, गिरफ्तार कर लो इसे और थाने ले चलो। शाबाश, ले चलो इसे थाने। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। चलो चले इंस्पेक्टर साहब। क्या मुल्ज़िम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया? सर, मुल्ज़िम ने अभी तक एतराफ़ जुर्म नहीं किया, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्ज़िम को मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस के रिमांड पे दिया जाए। थैंक यू सर, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने मेरे क्लाइंट को वैशी, लालची, औरतों पर तशद्दुद करने वाले दरिंदे के तौर पर कामयाबी से पेश किया। हालांकि पुलिस के पास मफरूजों के सिवा कुछ भी नहीं है, सबूत नामुकम्मल हैं, गवाह कोई भी नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है और ना ही फिंगरप्रिंट्स। कभी कहा जाता है कि ये इश्तियाल में आकर कत्ल किया गया है और तशद्दुद के नतीजे में मक्तूला की मौत हुई, और दो ही सांस में पुलिस अपना मौक़िफ़ बदल लेती है, वो कहती है कि ये कत्ल जेवरात के लिए किया गया, गोया सोचा समझा एक कत्ल था। क्या हो रहा है ये? क्या प्रोसिक्यूटर मजाक कर रही? ये ठीक है योर ऑनर के मेरे क्लाइंट ने जज्बात में आकर हाथ उठाया था, लेकिन वो चोट जानलेवा नहीं थी। योर ऑनर, कातिल कोई और है और उसी ने डकैती की है,
अगर मेरे क्लाइंट ने जेवरात चोरी किए होते तो उसके घर का सामान इस तरह ना बिखरा हुआ होता, क्योंकि उसे मालूम होता कि जेवरात कहाँ रखे, और पुलिस को तो इन सवालों की तफ्तीश करने की फुर्सत नहीं है। योर ऑनर, इस पूरे वाकये में सारा का सारा नुकसान मेरे क्लाइंट का हुआ। बीवी उसकी कत्ल हुई, डकैती उसके घर में पड़ी, और उसकी बहन, वो मासूम बहन कहाँ है? किसी ने सोचा? पुलिस ने तफ्तीश की? मिस्टर लॉयर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? किस वाकये की तरफ इशारा करना चाहते हैं? योर ऑनर, जिस दिन कत्ल हुआ वो मासूम उसी दिन से गायब है। हमें शक है कि उस मासूम लड़की को उसी कातिल और डकैत ने अगवा किया है। योर ऑनर, अभी तक की इब्तदाई तफ्तीश सिर्फ मुलजिम नासिर की तरफ ही इशारा करती है। तमाम शवाहिद इसी बात की गवाही देते हैं कि मुलजिम नासिर के अलावा किसी और पर इस वारदात का शक नहीं किया जा सकता। योर ऑनर, कत्ल का मोहरिक भी मुलजिम के पास था। कर्जे में डूबा हुआ इंसान जिसे अपनी बीवी के जेवरात की जरूरत थी, सोने के वो कीमती जेवरात जिनके लिए घर में रोजाना झगड़ा होता था, और इन झगड़ों की आवाजें मोहल्ले वाले रोजाना सुनते थे। और योर ऑनर, सबसे बड़ा सबूत तो वो फोन कॉल है जो मरने से पहले मक्तूला ने अपनी वालिदा को की, और जिसमें साफ तौर पर उसने अपनी माँ को बताया कि उसके शोहर ने उसे बुरी तरह मारा पीटा है, जख्मी किया है, और उसको अपने शोहर से अपनी जान का खतरा है। योर ऑनर, इन तमाम हकायक और शवाहिद से सिर्फ मुलजिम नासिर पर ही शक जाता है। वकील साहब ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। मुलजिम नासिर की बहन के अगवा की एक कहानी अदालत में सुना दी गई। योर ऑनर, अभी तक पुलिस को ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि मुलजिम की बहन का अगवा हुआ। किसी मोहल्ले वाले ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि उन्होंने मक्तूला के घर के बाहर किसी मशकूक इंसान, किसी डकैत या किसी कातिल या अगवाकार को देखा। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुलजिम नासिर रजा को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। थैंक यू सर। यह अदालत मुलजिम नासिर रजा को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। उसके साथ साथ पुलिस को यह हुक्म भी दिया जाता है कि वो इस मुकदमे की आइंदा पेशी पर नासिर रजा की बहन शाजिया रजा को बाजियाब करके उसको अदालत में पेश करे। समाअत मुलतवी की जाती है। सलाम जोनी भाई। ये कुछ तरीका है रोकने का? जोनी भाई, इस बात को सुनो, बड़ी खास खबर लाया है। बोल। नासिर को सुना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उसकी बीवी के कत्ल के इल्जाम में। नासिर को? ये क्या नया ड्रामा? सुना है घर से सारे जेवरात लेके भी भागा हुआ है। जेवरात लेकर भागा? पता है ना पैसा किससे उधार लेकर दिया था उसे? पड़ेगा नहीं भाई। फुलझड़ी भी गायब है। फुलझड़ी? वो भी इसके साथ वारदात में शामिल थी। पुलिस का ये कहना है कि बहन का इस वारदात से क्या ताल्लुक हो सकता है? पता लगा, एक काम कर। ठीक है जोनी भाई। निम्रा की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले आए आप? जी, ये। क्या लिखा है इसमें? लेकिन आमने साहिबा, हमारा जो इब्तदाई अंदाजा था वो तो बिल्कुल गलत निकला है। असल में मकतूला की जो मौत है वो सर पर चोट लगने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि दम घुटने की वजह से हुई है, और मकतूला को उसी के दुपट्टे से गला घोंट कर मारा गया है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो मकतूला की माँ का जो बयान है उसमें बहुत झोल नजर आता है, फिर क्योंकि उनके मुताबिक उनकी बेटी ने जख्मी हालत में फोन किया था और कहा था कि नासिर ने बहुत बुरी तरह मारा पीटा है और उसका सर फट गया है। तो अगर कॉज ऑफ डेथ सर पर चोट नहीं है तो इसका मतलब है कि उस फोन कॉल के बाद किसी ने निम्रा का गला घोटा है। मैडम, ये भी तो हो सकता है कि नासिर अपनी बीवी को जख्मी करके चला गया हो, वो वापस आया, उसने अपनी बीवी को फोन पे बात करते देखा, उसे गुस्सा आया और उसने कत्ल कर दिया। नहीं, मोहल्ले वालों के बयानात से भी किसी ऐसी बात की तस्दीक नहीं होती कि नासिर दोबारा घर आते हुए देखा गया था। अच्छा, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और बात भी लिखी है कि निम्रा के पांव पर भी जख्म के निशान थे, नील पड़े हुए थे,
इससे तो ये जाहिर होता है कि इस वारदात में एक से ज्यादा लोग मुलव्वस हैं। एक ने उसको पांव से काबू किया और दूसरे ने कत्ल की वारदात की। कहीं ऐसा तो नहीं कि निमरा की माँ ने गलत बयानी से काम लिया और ऐसे मौके पर उसने अपने दामाद को फंसाने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने दामाद को पसंद तो नहीं करती थी। जी अमना साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैं भी इसी पॉइंट पे सोच रहा था कि इस कत्ल में एक से ज्यादा लोग मुलव्वस हैं। और दूसरी बात यह है कि मकतूला की नंद भी गायब है, और मुझे अब ये शक हो रहा है कि इस कत्ल में उसने अपने भाई का साथ दिया है और जेवरात लेकर गायब हो गई है। बहरहाल कत्ल की वारदात है, असल हकीकत तक पहुँचने में कुछ वक्त तो दरकार होगा। मेरे ख्याल में हम तफ्तीश के दायरे को मजीद बढ़ाते हैं और कुछ और लोगों को भी शामिल तफ्तीश करते हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क भर में 2006 से 2016 के दौरान औरतों के कत्ल बशमूल गैरत के नाम पर कत्ल के 15,222, जिंसी तशद्दुद के 4,734, जलाकर मारने या शदीद जख्मी करने के 1,535, घरेलू तशद्दुद के 1,834, औरतों की खुदकुशी के 35,935 और औरतों के अगवा के 5,508 वाकियात रिपोर्ट हुए। तुम हो इस गली के चौकीदार? जी जी साहब, मैं ही हूँ। ये बताओ कि तुम्हारी ड्यूटी की टाइमिंग क्या है? साहब, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ड्यूटी है मेरी। अच्छा, उस दिन जब निमरा बीबी का कत्ल हुआ तो उस वक्त ड्यूटी पे तुम ही थे? जी जी साहब, मेरी ड्यूटी थी। तो नासिर को जाते हुए तुमने देखा? साहब, मुझे पक्का याद तो नहीं है, मेरा ख्याल है 10:15 का टाइम था। क्या इसके पास कोई सामान या पोटरी या बैग वगैरह था? नहीं साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, वो खाली हाथ थे। और इस दिन उसकी बहन शाजिया दिखाई दी? साहब, वो वारदात वाले दिन सुबह नजर आई थी, फिर उसके बाद नजर नहीं आई। खालिद साहब, मिसेज नासिर के कत्ल के केस का तो पता होगा। जी सर, अच्छी खातून थी, बस किस्मत ने उन्हें कामचोर और सुस्त आदमी के पल्ले बांध दिया था। आपने नासिर को उस रात बिल्डिंग से बाहर आते देखा था? जी सर, वो तो बहुत गुस्से में था और तेज तेज जा रहा था। उसके हाथ में कुछ था, कोई बैग या कोई थैली वगैरह? हाथ में बैग कुछ याद नहीं सर। क्या उसकी बहन शाजिया उसके साथ थी? शाजिया सुबह नजर आई थी, और हाँ सर, उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग भी था। बैग? जी सर, और उस रोज वो हमारे एरिया के एक टपोरी है शमशाद, उसके साथ टैक्सी में गई थी। ये शमशाद कौन है? शमशाद हमारे मोहल्ले का एक टपोरी है और हीरो बना घूमता है, और उस दिन सर वो शमशाद के साथ ही गई थी। सर, इन दोनों का चक्कर चल रहा है और उस दिन से दोनों गायब है, नजर नहीं। ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। किस मुसीबत में फंस गई मैं, खिड़की से भी कुछ नजर नहीं आ रहा। मैडम, नासिर की बहन शाजिया का गली के एक लड़के शमशाद के साथ अफेयर है, और जिस दिन ये वाकया पेश आया उस दिन से ये दोनों गायब हैं। मैडम, मुझे तो पूरा यकीन है कि इस कत्ल में ये दोनों मुलव्वस हैं। और दूसरी बात ये है कि नासिर के घर के दरवाजे
और ड्राइंग रूम से हमें कई फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, और जिस अलमारी में मकतूला अपने जेवरात रखती थी उससे मकतूला के अलावा दो और लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, और मुझे तो शक है कि वो फिंगरप्रिंट्स शाजिया और शमशाद के ही होंगे। मैडम, गली के चौकीदार और करीब के दुकानदारों का ये बयान है कि उसने शाजिया और शमशाद को वारदात वाले दिन सुबह 7 बजे देखा, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 7 बजे के बहुत बाद हुआ। अगर तो वो चौकीदार सच कह रहा है कि वाकई में शाजिया और शमशाद सुबह 7 बजे इकट्ठे देखे गए थे और घर से निकले थे, फिर भी इस बात को खारिज उल्मकान करने के लिए कि इस वारदात से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनसे एक दफा पूछगछ तो करनी पड़ेगी। जरा इन दोनों की सेलफोन लोकेशन तो निकलवाइए वारदात के रोज की भी, ताकि कन्फर्म हो जाए कि 7 बजे के बाद ये लोग घर वापस नहीं आए, और लास्ट लोकेशन इनकी क्या थी। क्योंकि अजीब सी बात तो है, वारदात के रोज ही शाजिया घर से भाग जाती है, और अगर वो वाकई में उस लड़के के साथ भागी है तो फिर जेवरात की जरूरत तो उसे भी पड़ सकती है। निम्रा, निम्रा मेरी बच्ची। अम्मी मैं कहीं नहीं गई, मैं आपके साथ ही हूँ, देखें मेरी बच्ची। क्या हो गया अम्मा, खुद को संभालो, पोता रखो अम्मा। कानून उसे नहीं छोड़ेगा अम्मा, मैं उसे फांसी चढ़वा के दम लूंगा। कितना समझाया था उसे हमने कि इस शख्स से शादी ना करे, लेकिन उसने एक ही जिद की, अरे वो इज्जत उसको लेके चली गई हमारे बीच से। अम्मा तो बोलता रखो अम्मा, मकतूला निम्रा की माँ का बयान है कि निम्रा ने मरने से कबल उसे फोन किया था और बताया था कि वो शदीद जख्मी है और उसके शोहर नासिर ने उस पर तशद्दुद किया है। मगर उसने किसी डकैती का जिक्र नहीं किया। इसी तरह चौकीदार का भी तो बयान है कि जब नासिर बिल्डिंग से निकला तो वो खाली हाथ था। नहीं साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, वो खाली हाथ थे। कत्ल सर की चोट से नहीं बल्कि गला घुटने से हुआ। क्या कत्ल और डकैती में कोई और भी शरीक है? नासिर की बहन शाजिया? नहीं, वो तो घर ही वापस नहीं आई थी। अजिया सुबह नजर आई थी, मगर अलमारी से 2 फिंगरप्रिंट्स मिले थे, और शाजिया के साथ शमशाद भी गायब है। निम्रा की पड़ोसन सफिया ने लाश सबसे पहले देखी थी, और उसका बयान था कि निम्रा जख्मी हालत में मुर्दा पड़ी थी और बेडरूम में सामान बिखरा हुआ था। क्या ये मुमकिन है कि नासिर के जाने के बाद कोई और घर में आया हो? हाँ शेरोज। अच्छा, दैट्स गुड, कोई बात बताई उन्होंने? मुझे भी यही तवक्को थी। चलो थैंक यू। ताज़ी रातें पाकिस्तान की दफा 34 का इतलाक ऐसे जराइम पर होता है जिसमें बयक वक्त एक से ज्यादा अफराद एक ही इरादे से शामिल हों, जुर्म ख्वाह एक ही फर्द ने किया हो, मगर इस जुर्म की साजिश में शरीक तमाम अफराद मुजरिम करार पाएंगे। योर ऑनर, निम्रा के कत्ल की जब तफ्तीश शुरू हुई तो ये ओपन एंड शट केस लग रहा था। मकतूला के मोहल्ले वालों और मकतूला की फैमिली ने सिर्फ एक ही मुलजिम को नामजद किया, लेकिन जूं जूं तफ्तीश बढ़ती गई
واقعات آپس میں تصادم اختیار کرتے گئے اور بیانات میں تضاد نظر آنے لگا. یور آنر، ملزم ناصر ڈکیتی کی واردات سے انکاری تھا، حالانکہ پولیس نے اس کی مقتولہ بیوی کی سونے کی چوڑیاں اس سے برامد. یور آنر، ملزم ناصر تو قتل کے جرم سے بھی انکار کر رہا ہے، حالانکہ پولیس کی تفتیش میں مقتولہ کے سیل فون سے کی گئی وہ آخری کال کا بھی ریکارڈ موجود ہے، جس میں اس نے اپنی والدہ کو اس بات کا تذکرہ کیا کہ ملزم نے اسے شدید مارا پیٹا ہے، اس کے سر پر چوٹ آئی ہے اور خون بہے جا رہا ہے اور اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے. یور آنر، تفتیش کی اس سٹیج پر پھر سوال یہ اٹھتا تھا کہ اس قتل کا محرک کیا ہے؟ کیا گھریلو تشدد اس واردات کا محرک تھا یا مقتولہ کی آواز کو دبانا محرک تھا تاکہ قاتل کی حقیقت عیاں نہ ہو سکے؟ یور آنر، پوسٹ مارٹم کی تفصیلی رپورٹ نے یہ بات ظاہر کی کہ اس واردات میں ایک نہیں دو لوگ ملوث. یور آنر، استغاثہ اسی بات کو، ایک ہی بات کو بار بار دوہرا رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ میرے کلائنٹ کو قصوروار ثابت کر سکتی ہیں؟ نہیں نا، تو پھر یہ کیس ختم کیجئے، خامخواہ آپ عدالت کا وقت کیوں برباد کر رہی ہیں؟ وکیل صاحب، آپ مداخلت کر کے اس وقت عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں، تھوڑا صبر سے کام لیجئے، تمام حقائق ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. یور آنر، اس کیس کے تضادات سلجھانے کے لیے میں مقتولہ کی پڑوسن صفیہ صاحبہ کو کچہرے میں بلوانے کی اجازت چاہتی ہوں. اجازت؟ صفیہ صاحبہ، آپ عدالت کو بتائیں گی کہ واردات کے روز کس ترتیب سے واقعات ہوئے؟ میں نے اس دن سنا کہ نمرہ اور ناصر کے جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی، نمرہ کے بہت زور سے چیخنے کی آواز آئی اور میں نے کھڑکی سے جھانکا تو ناصر بہت زور سے دروازہ پٹک کے باہر چلا گیا، اور میں باہر نکلی جا کے میں نے اس کے گھر میں دیکھا تو. حوصلہ رکھیں. اچھا، عدالت کو یہ بتائیے گا کہ نمرہ کی چیخ سننے کے کتنی دیر کے بعد آپ نمرہ کے گھر پہنچی؟ یہ کوئی ایک منٹ. اچھا، اور اس ایک دو منٹ کے اندر اندر کیا آپ نے ناصر کو گھر کے اندر پایا یا گھر واپس آتے دیکھا؟ جی نہیں. اچھا چلے، پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر میں نے محلے والوں کو اکٹھا کیا، جب سب اکٹھے ہو گئے تو اتنی دیر میں میرے ہسبینڈ فیضان بھی آ گئے تھے، انہوں نے پھر پولیس کو فون کر کے بلایا. اچھا، آپ نمرہ کی اتنی اچھی دوست تھیں، کیا آپ کو معلوم تھا کہ نمرہ نے اپنے زیورات کہاں رکھے ہوئے ہیں گھر میں؟ جی نہیں. آپ درست فرما رہی ہیں، آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ نمرہ نے اپنے زیورات گھر میں کہاں رکھے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ کو پورا گھر تتر بتر کرنے کی ضرورت تو نہ محسوس ہوگی نا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا مطلب یہ ہے موصوفہ، کہ آپ نے پہلے بھی پولیس کے سامنے جھوٹ بولا اور آپ ابھی بھی عدالت کے سامنے جھوٹ بول رہی ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ نمرہ کا قتل آپ نے اپنے شوہر فیضان کے ساتھ مل کر کیا. یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کس قسم کا الزام لگا رہی ہیں مجھ پہ؟ محترمہ، یہ الزام نہیں ہے، آپ کے بیان میں تضاد ہے. آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے نمرہ کے چیخنے کی آواز سنی اور ایک منٹ کے اندر اندر آپ اس کے گھر پہنچ گئی اور آپ نے اس کو مردہ حالت میں پایا. ہاں ہاں، یہ سچ ہے. محترمہ، یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ ناصر اور نمرہ کے جھگڑنے کے بعد اور ناصر کے گھر چھوڑ جانے کے بعد بھی نمرہ زندہ تھی، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو فون کیا تھا. پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ چیخنے کے ایک منٹ کے اندر میں گھر گئی اور اس کو مردہ حالت میں پایا؟ اور یور آنر، ایک ثبوت تو اور بھی ہے کہ نمرہ نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی والدہ کو فون کیا اور یہ ڈیٹیل تو بتائی کہ اس کا شوہر اسے بری طرح مار پیٹ کر گیا، لیکن اس کے باوجود یور آنر، اس نے اپنی والدہ کو یہ بات نہیں کہی کہ ناصر زبردستی وہ زیورات لے کر گھر سے چلا گیا، کیونکہ ناصر نے ایسا نہیں کیا. یور آنر، اس الماری سے وہ زیورات کس نے اٹھائے؟ پولیس کو دو مختلف لوگوں کے فنگر پرنٹس ملے اس الماری سے. یور آنر، میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ صفیہ اور فیضان کے فنگر پرنٹس الماری سے ملنے والے فنگر پرنٹس سے 100% میچ کر جائیں گے. یہ صفیہ بی بی، آپ عدالت کے سامنے اپنا جرم قبول کرنا چاہیں گی؟ وہ دوست جو آپ سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی، یہاں تک بتاتی تھی کہ اس کا شوہر اس پر گھریلو تشدد کرتا ہے، اس سے ہمدردی کرنے کے بجائے آپ نے اس کا قتل کر دیا.
जेवरात चोरी किए? बस बस करें आप। हाँ, किया आपने उसे कत्ल। हम उसे कत्ल नहीं करना चाहते थे। निम्रा, निम्रा, फैजान देखे आज इसका क्या हाल कर दिया। निम्रा, ये तो इसका तो खून बह रहा है। निम्रा, मुझे लगता है ये बेहोश है। ये तो बेहोश है, इसका जेवर निकाल लेते हैं। हम इसका जेवर निकालेंगे, इसका शक अपने शौहर पे जाएगा, क्योंकि इन दोनों मियां बीवी का झगड़ा तो इस जेवर पे ही होता है ना। मुंह क्या देख रहे हो, आओ मेरे साथ। नजर रखो। खुल गया। तुम देखो, जल्दी खोलो उसको, जल्दी देखो उसको होश ना है। हाँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, तुम और देखो। हमने सारा जेवर निकाल लिया, लेकिन जब हम जाने लगे तो तुम लोग मेरे मेरे घर में चोरी कर रहे हो। छोड़ूंगी नहीं तुम, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। रुक। नहीं नहीं निम्रा, हम चोरी थोड़ी कर रहे थे। छोड़, नहीं नहीं, छोड़ो। क्या पुलिस का फोन कर रही? पुलिस को फोन करेगी। मर गई है ये। चलो सामान उठाओ, जल्दी जेवर उठाओ। और बात सुनो मेरी, बाहर जाके यही बोलेंगे कि नासिर ने कत्ल कर दिया, यही शोर करना है। चलो चलो यहां से। रोज मेरा जमीर मुझे कोसता है, उसका चेहरा मेरे ख्वाबों में आता है। बहुत मासूम थी वो, हम उसे नहीं मारना चाहते थे जज साहब, लेकिन हम बहुत डर गए थे। मुझे माफ कर दे जज साहब, हमने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। अच्छा। तमाम तर हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नासिर रजा इस केस में बेगुनाह है, लिहाजा ये अदालत नासिर रजा को बाइज्जत बरी करती है, जबकि असल मुल्जिम इस मुकदमे में फैजान और उसकी बीवी सफिया है। लिहाजा अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि फैजान और उसकी बीवी सफिया को कमरा अदालत से फौरन गिरफ्तार करके उनके खिलाफ चालान पेश किया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।